का ऑपरेशन पूरा हो गया और वो अब खतरे से बाहर है। सच? हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी इंटरनल ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक गई है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। उन्हें अभी होश नहीं आया, बट जल्दी वार्ड में शिफ्ट कर लेंगे। कृष्णा जी का लाख लाख धन्यवाद, कान्हा ठीक हो गया मौसी जी। दादी, जीजू का ऑपरेशन हो चुका है, वो अब खतरे से बाहर है। सही रे बेटा, कान्हा ठीक हो, उसकी जान बच गई। हाँ माँ, हमारा कान्हा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्लीज आप लोग वार्ड के बाहर भीड़ मत लगाइए, जाके वेटिंग एरिया में वेट कीजिए। पेशेंट के पास एक टाइम पे सिर्फ एक ही विजिटर अलाउड है। तो रुकिया, हम बाहर जाते हैं। आइए मौसी। तूने मुझे कहा ना, बस जल्दी से ठीक होके मेरे पास आके मुझे गले लगा ले, मैं कभी दूर नहीं जाने दूंगी खुद से। बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। और जब तू ठीक होगा ना, तो स्टैम्प पेपर पर लिखवा के ना साइन करवाऊंगी तुझसे कि तू कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा। और जाने की कोशिश भी करेगा ना, तो बांध के रख लूंगी खुद से, कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन बस एक बार होश में तो है तू। तोरा याददाश्त कर गिर गया है क्या सड़क पे कहीं, जो तुम हमरा बाबू को अपना पास बुला रही हो? वो नहीं आएगा तुम्हारे पास, वो दूर जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। फाड़ फाड़ के काहे देख रही हो ये तलाक का कागज को? हम तो तुमको बोले थे ना, ऐसा ही कुछ होने वाला है तोरे साथ। हमरा बाबू अभी अभी मौत के मुंह से बचा है, पूरा तरह से ठीक नहीं ना हुआ है, उसके लिए और पैसा चाहिए। और पूरा तरह से ठीक नहीं होगा जब तक तुम ये कागज पे साइन नहीं करोगे। साइन नहीं करोगी तो हम एक फूटी कौड़ी भी थोड़ी ना देंगे तुमको। फिर अगर बाबू को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? बोल दोगी अपना कान्हा बाबू को, काका बाय बाय, सायोनारा सायोनारा, क्या करोगी बताओ? हिंदी फिल्म की हीरोइनी की तरह अपनी मांग के सिंदूर को मिटा दोगी, और ये जो मंगलसूत्र है जो हम कब से तुमको कह रहे थे उतार के फेंक दो, उतार के फेंक दोगी आग में। बताओ बताओ कहाँ करोगी, कहाँ करोगी तुम? हाँ कहाँ, सिर्फ टुकुर टुकुर कहाँ देख रहे हो? बाबू का चिंता हो रहा है, छोड़ो। अरे हम तो कहते हैं बाबू का चिंता करना छोड़ दो, हमरे ऊपर छोड़ दो, हम देख लेंगे। तुम बस ये कागज पे साइन कर दो। आप लोग फिर यहाँ भीड़ जमा कर रहे हैं, प्लीज वेटिंग एरिया में जाके बैठिए। पेशेंट के पास एक टाइम पे सिर्फ एक ही लोग अलाउड है, प्लीज उन्हें रेस्ट करने दीजिए। विश्वास ही नहीं हो रहा कि चमन बाहर ने कान्हा के इलाज के लिए पैसे दे दिए। हाँ, मगर इसके लिए सयूरी को उसके आगे कितना गिड़गिड़ाना पड़ा होगा।
लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं था। इस समय तो हमें चमन बहार का शुक्रगुजार ही होना चाहिए। तुमने हमारे काना की जान बचाई, तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सयुरिया ने अभी तक किसी को हमरे बीच की सरत के बारे में नहीं बताया। वैसे तो तुम्हारा काना के साथ कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुमने उसकी जान बचाई है, भगवान तुम्हारा भला करे। रिश्ता तो बहुत ही जल्दी बनने वाला है पिताजी, आपसे भी और बाबू से भी। कृष्णा जी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। उसका चिंता आप नहीं ना कीजिए आंटी जी, हमारा सारा इच्छा सब पूरा हो ही जाएगा। और हम जो ये सब कर रहे हैं ये कोनो एहसान नहीं है, वो कहा है ना कि हमरा भी मन में बाबू के लिए चिंता रहता है, वो तो हमरे होने वाले। हीरो है ना, यही लिए। कैसे और क्या बताऊं सबको कि कान्हा की जान बचाने के लिए क्या और कितनी बड़ी कीमत मांगी इस लड़की ने मुझसे। मैं नहीं जानती हूँ मैंने जो किया है वो सही है नहीं, बस इतना जानती हूँ कि जो मैंने सौदा किया है अपने काना के लिए किया है, अपने प्यार अपने पति के लिए किया है। कैसा सौदा दीदी? किसके साथ सौदा किया आपने बताइए ना दीदी, क्या सौदा करना पड़ा आपको? वो चमन बहार ने किसी शर्त पर पैसे दिए हैं क्या आपको? वो कहा है कि हम अपना तिजोरी खाली करके सारा पैसा आपको दे दिए, तो आपको भी तो गिरवी में कुछ रखना चाहिए ना। अब जैसे बाबू हमारे वैसे ही मंगल सूत्र भी। बताइए ना दीदी, हमसे क्यों छुपा रही हैं आप? हम तो बहन है ना आपकी, बताइए ना क्या सौदा करना पड़ा आपको? वो चमन बहार ने कुछ कहा क्या आपसे? किसी ने कुछ नहीं कहा है, कैसी बातें कर रही है तू? वो मैंने बस भगवान जी से प्रॉमिस किया है कि कान्हा ठीक हो जाएगा तो मैं अपनी कोई फेवरेट चीज को छोड़ दूंगी, बस ये प्रॉमिस किया। क्या छोड़ा आपने? अभी नहीं सोचा है, तो ये सब छोड़, बस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरा कान्हा जिंदा है, मेरा कान्हा ठीक है, अब खतरे से बाहर है, बस वो जल्दी से होश में आ जाए। तो हार कान्हा? जान का सलामती चाहती हो ना तो यहाँ चुपचाप पड़ी रहो जेल में। मुझे कुछ बात करनी है, चुप जा। जी भंग, सारी भी नहीं बोली पूरा।
हाँ चाय पी लीजिए, पता नहीं हमें और कितना वक्त यहाँ रुकना पड़ेगा। लीजिए। भाभी कहाँ चली गई? हम उन्हें कॉल करके पूछते। इतने सारे मिस कॉल्स, पर इस वक्त हमारे लिए भाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अभी हमारी जरूरत यहाँ ज्यादा है, लेकिन हम जा नहीं सकते, पर मैसेज तो कर सकते हैं। चल कल मिलते हैं फिर। We'll talk soon. क्यों है मेरे लाइफ में दोस्त? चिकन सी आदत हो गई थी मुझे इस तरह जीने की। जब से तुम मिले हो यही जिंदगी काटने को दौड़ रही है मुझे। खुश नहीं थी, दुखी भी तो नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से दम घुट रहा है मेरा यहाँ। प्लीज दोस्त यहाँ से ले चलो मुझे। का हमरा कान्हा हमरा कान्हा का रट लगाए रखी हो? काहे नहीं समझ रहे हो? अब कान्हा बाबू तुहार नहीं रहा। एक बार में काहे नहीं समझते हो, काहे भूल रहे हो? बुढ़ा गई हो का या पगला गई हो? काहे नहीं समझ रही हो? वो अब तुहार नहीं है। अब ना मन कर रहा है कान्हा बाबू का बार बार नाम जपने का, तो अब से बाहर का कान्हा, बाहर का कान्हा ये रख लो। अच्छा एक बात बता देते हैं, सलाह दे रहे हैं, अगर नहीं मानोगी तो सजा भी दे सकते हैं। वो अगर हमरे साथ जरा भी चालबाजी करने का कोशिश की ना, तो तुमको मार के जंगल में फेंक देंगे और जानवर सब चट कर जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे अच्छा एक बात बताओ, ये घर वाला सबको, परिवार का सब लोग को तुम काहे नहीं बताई हो कि बाबू को बचाने के लिए जो पैसा दिए हैं उसका का कीमत चुकाई हो? तो उसकी क्या जरूरत है? हम समझ लिए हैं। तुमको का लगता है कि जब बाबू ठीक हो जाएगा, घर वापस आ जाएगा, तो तुम अपना वादा से मुकर जाओगी? वापस से कान्हा बाबू का मैसेज बनके हमरा हवेली में रासलीला करोगी? तुम ये बात अच्छा से जान लो कि तुम्हारा पति सारी सारी तुम्हारा पति तो नहीं रहा, तो हमरा बाबू है ना। हमरा बाबू जो है ना, उनका केवल ऑपरेशन हुआ है, इलाज पूरा तरीके से अभी तक नहीं हुआ है। उसके लिए अभी भी बहुत सारा पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से लाओगी? हम ही से ना मांगोगी? तुमको क्या लगता है हम वो पैसा दे देंगे? हमको बुरबक समझी होगा। अरे नहीं भूली हूँ मैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मैं भूलना चाहूँ भी ना, तो तुम मुझे भूलने नहीं दोगी। रही बात ये कि मैंने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया, तो इसलिए नहीं बताया है क्योंकि घर वाले ऑलरेडी बहुत बड़ी मुसीबत में परेशान है खाना की तबीयत को लेकर। अगर ये बात भी बताती तो टूट जाएंगे वो लोग। इसलिए एक परेशानी से निकाल कर दूसरी परेशानी में नहीं डाल सकती उन्हें। लेकिन तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है इस बात से? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। अगर मैं माँ को या घर वालों को बता देती तो क्या माँ यूं तुम्हें गले से लगाती या पापा आशीर्वाद की बरसात करते तुम पर? अरे अगर किसी को पता चल जाता ना, भनक भी लग जाती, तो हॉस्पिटल से क्या पूरे शहर से बाहर निकाल देते, धक्के दे देखे। हमारा परिवार ही क्या, पूरा शहर नफरत करता तुमसे। सपने देखते हो ना बड़े बड़े हीरोइन बनने के, पूरे होने से पहले ही टूट जाते, सब कुछ खत्म हो जाता। ये तुम्हारे प्लान्स, ये तुम्हारे सब कुछ खत्म। और सोशल मीडिया पे फैंस नहीं होते, तुम्हारे हेटर्स होते। ये चाहती हो तुम? बोलो। हम क्या चाहते हैं उसका फिक्र करने का तुमको कोनो जरूरत ना है। हम वो खुद ही सोच लेंगे हमको क्या चाहिए। पर फिलहाल ये कागज पे तुम साइन कर दो। हमको बस यही चीज खुशी देगी और सुकून।
लो कागज और ये लो कलम का तलवार और अपना और कान्हा बाबू का रिश्ता को खत्म कर दो। हमेशा हमेशा के लिए और अपना पति हमें दे दो। तो ये सौदा किया है चमन बार ने सेवटी के साथ। मानना पड़ेगा इस औरत को, जो चाहती है वो आकर रहती है। कैसा लग रहा है सर अब आपको? कोई पेन, कोई तकलीफ? सही। मैं अभी बुलाकर लाती हूँ सर, आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। कृष्णा जी करे कान्हा को जल्दी होश आ जाए तो हमारी जान में जान आएगी। वो पेशेंट को होश आ गया है, वो सयूरी बुला रहे हैं। आप प्लीज सयूरी जी को बुला दीजिए, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। आप लोग यही रुके, मैं भाभी को बुला के आता। कृष्णा जी ने सुन ली थी। हाँ दीदी जल्दी करो, फालतू लोगों के लिए फालतू समय नहीं है हमारे पास, करो फटाफट।